फ्रेंड्स, आज दोबारा से मुझे रेनबो की कॉल आई है कि चलो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने चलना है। तो अब मैं बस अभी अभी स्कूल से वापस पहुंची हूँ रूम में। 4:30 बजने वाले हैं। कीज ले रही हैं, अब लाइट्स ऑफ। बस ये मैं पानी की अपनी बोतल भर लूँ क्योंकि फिर मुझे प्यास लग जाती है वहाँ पे। तो उसके बाद चलते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं कि यूई और रेनबो कहाँ हैं। कहाँ है रेनबो? फिर मुझे मैसेज आया है कि जी यूई के साथ मेरा वेट करो। अब यूई है कहाँ? आई डोंट नो। हेलो, कहाँ यूई? Where is? Huh? Where to go? At the market. We are going to the market. Okay. The school has ducks too? Yes. We have ducks? Yeah. I really want to go Saturday market. Saturday market. I don't have the car. Yeah, I know. That's why I miss my husband. Meet Luna, she studied. What is she studying? PhD. It's okay, you can sit. Hello. Hi. तो लमनर आए, हम पहुंच चुके हैं और मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। रेनबो तो गाड़ी में ही है, तो मैं यूई के साथ कहीं जा रही हूँ। आई थिंक कहीं डॉक्टर के पास ही जा रहे होंगे। See the doctor. Yeah. और ये हम किसी क्लिनिक नुमा जगह पर पहुंच चुके हैं। ये हॉस्पिटल तो बिल्कुल नहीं है। आज से पहले मैं जिस भी प्रोविंस में थी वहाँ आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल करवाना पड़ता था, लेकिन यहाँ चूँकि सब कुछ डिफरेंट ही हो रहा है मेरे साथ, तो ये भी डिफरेंट ही है कि ये कोई प्राइवेट क्लिनिक है और यहाँ से हमने कराना है। लेकिन ये बंद है और अब वो देख रही है, पता नहीं टाइम नोट कर। जी, तो देखा आपने, उसने मुझसे पेंसिल लेकर के लिखना जो है वो मुनासिब समझा है, और वहाँ जो पेंसिलें पड़ी थी उसको उसने टच नहीं किया क्योंकि वो कोरोना से बहुत डरती है कि कहीं मैं इनको टच करूँ तो कोई मामला मेरे साथ ख़राब ना हो जाए। और अपने स्कूल का उसे भरोसा है कि मेरे स्कूल के कोलीग्स और सारे लोग जो हैं वो कोरोना से फ्री हैं, तो इतनी वही केयर करनी चाहिए अपनी जितनी ये लोग करते हैं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये अपना नंबर और एंट्री लिख रही है कि मैं फ़लाँ टाइम पे हमने विज़िट किया था, और जैसे ही ये क्लिनिक ओपन होगा तो ये निकाल की जाएगी कि जी अब क्लिनिक ओपन है तो आप आ जाएं। आई थिंक मुझे यही समझ आ रहा है कि यही हो रहा होगा। ओके, 6:00 वी हैव टू कम हियर। इट्स 5 ऑलरेडी। जी, तो इस वक्त 5 बज रहे हैं और हमें 6 बजे दोबारा आना है क्लिनिक पे, तो 1 घंटा है हमारे पास। उसमें हम जो है इधर उधर कुछ घूमे फिरेंगे, देखेंगे कि क्या कैसे गुजारना है 1 घंटा। तो अब आई थिंक हम जा रहे हैं किसी थाई नेशनल क्लॉथ्स की दुकान पर, और मेरे ख्याल से यूई ने कुछ वहाँ से ख़रीदना है, तो चलें देखते हैं हम भी। जी, तो ये जो भी आपको ड्रेस नज़र आ रहे हैं ये थाई नेशनल ड्रेस हैं, और ये मैंने नॉर्थ में जब मैं थी तब मैंने वहाँ पे इस तरह के ड्रेस नहीं देखे थे। तो इनका जो है साउथ वालों का डिफरेंट ड्रेस है, फिर नॉर्थ वालों का डिफरेंट है, और ये चूँकि सेंट्रल एरिया है बैंकॉक का, उसका थाईलैंड का, तो ये सेंट्रल एरिया का ये वाला है। ये देखिए आप कितनी कलरफुल सी, वो जैसे इंडिया के अक्सर हम, पता नहीं मराठी के क्या, मेरे इंडियन दोस्तों को पता होगा कि वो जो उस जिस तरह के उनके कपड़े होते हैं ना, बड़े कलरफुल से और बड़े अच्छे से, ये इस तरह के हैं। ये देखें ये सारा कितना अच्छा है ये, लेकिन ये बड़े ही मुश्किल आई थिंक कैरी करना है इनको, बड़ा मुश्किल ये सलवार है। और ये आप देखें ये किस तरह की सलवार है, और बीच में अजीब सा लंडोक की तरह का उसका पटका है, तो ये बड़ा डिफरेंट किस्म का ट्राउज़र है। तो इन लोगों को तो पहने हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन हम नहीं सोच सकते कि इन्हें हम पहने। सो व्हाट अबाउट क्रूसपा, डू वी हैव द फिनिश? यस, दे सेंड मी द लाइसेंस। यस, ऑलरेडी। ओके, वी आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम इट टुमारो। Hello everyone. She wants to buy Thai clothes. Hmm. Yes. But this is not the Moham. You could explain. Thai say Jong Ka Ben. Oh. Jong Ka Ben. Okay. It is a Thai style.
Thai style, okay. And this, but this is short. And what is this? This is... Don't come and have a... This is a variety kind of... short. Oh, like short. Yeah. So, like different and colorful. It's very colorful. And do you have the long one? The long two? This is short. Long. Yeah. She's trying. Wow, look nice. But you have to wear something under this because it's very... This is like a skirt. Yeah, lana. This is lana? Not lana, it's a Thai. Lana and Thai is different. Oh, lana and Thai is different. Lana is north of Thailand. Oh, lana is for north of the Thailand. The center of Thailand. Oh, this is for central. The old lady is more than 300 years old. Oh, 300 years old culture is there. More than 300 years old. Oh, really? So these are for central Thailand. Mm-hmm. And lana is for north of Thailand. North of Thailand. Yes. Okay. The lana is the minority. Minority, okay. Yes, I didn't know that. Come to Thailand. Oh, yeah. Like the Burmans? Yes. From the Burma or Myanmar, who come from there. Yes. Oh, yes. I didn't know that. And Moham? Moham is same for the north? Moham is the same of northern Thailand too. Because the city, some city in Thailand is Moham. Moham, okay. जी, तो देखा आपने, ये यहाँ पे सेंट्रल ऑफ द थाईलैंड के लिए स्पेशल ये कपड़े हैं, उनका नेशनल ड्रेस है ये, और ये 300 साल पुराना है। अभी तक ये अपना वो कल्चर साथ लेके चल रहे हैं, यानी 300 साल पहले भी इस तरह के कपड़े पहने जाते थे, लेकिन हमें तो 300 साल पहले क्या पहना जाता था इंडो पाक में उसका तो वो नामो निशान मिट चुका है। और मोहम, जो कि मैं इनसे पूछ रही हूँ, मोहम और लन्ना वो चीज़ है जो नॉर्थ में पहनी जाती थी, क्योंकि जब मैं पहले रहती थी तो वो नॉर्थ में मैं रहती थी, तो इस वजह से मुझे मोहम का पता है, तो वो मोहम मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रहे। Do we have the specific name for this shirt? These are hot actually. In summer we can't use this. This is a in Thai, pha luk mai. Pha luk mai. We have the see through, have a variety of flower. Oh. Yeah. So this is not the common thing. The flower is like flower, different for everything. Yes. Oh, very nice. Ha, look my. Difficult name. Yeah, आप देखें जी, different flower हैं. हर एक shirt के लिए इसका different है. Yes, style of flower is different. Oh. But I like Moham. I don't like this one. Yeah, I know Moham. और मोहम का पूछते पूछते मुझे ये साथ में फ्रूट्स का स्टॉल नज़र आ गया, तो मैं तो वहाँ आ गई हूँ फ्रूट्स देखने, और ये जापानी फल मुझे नज़र आ रहे हैं, ये खरीदते हैं। I want to buy this. What is the Thai name of this? Thai name? Look up. I want to buy look up. How? One for 20? 20 baht. Two. Buy two for me. It's really expensive. Pakistan have. Yeah, we have, and not very expensive too. Okay. Thank you. For man. Man, but this is traditional too? Oh. I want to buy hand freeze.
from where I can buy hand free? Hand free. You know, put in the ear. Hand free. Yeah, and I want to buy shampoo. Yeah. Hand free, Ting Ting Ma Zhe Xie Fu. Hand free, which one? No, mom. Because I was living in north, so I like to wear mom. Mm-hmm. But in the north, it's cheaper than here. North is cheaper than here. Yeah. Yes, it is because I was living. No, I don't think so. No, because I was living at the border, like the Myanmar border. Oh yes. Yeah, so that was cheap. Because a lot of people from Myanmar, they come there to sell their product. Yes. Oh, this is so simple. It's not that type of moham like which have something here and here. Yeah. Oh, okay. Okay. Sorry. Fancy. Maybe here we can find. White in color. I don't know which will be, which is the good one, but I will just. I don't know, sir. It's my first time to buying, so I think. How could I know that it will be okay with this phone? Try it. A12 Galaxy A12 Samsung. Okay. 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 Okay, thank you. No. Okay. Welcome. This is Tom. What kind? Samsung A12, Galaxy A12, A for Apple, 12. I bought it from Pakistan. You don't have here? Okay, let's go. जी तो घंटा हमारा गुजर गया है, अब 6 बज चुके हैं, हम दोबारा क्लिनिक पे जा रहे हैं, वो खुल चुका होगा और देखते हैं कि अब कितनी देर हमें यहाँ पे लगती है। जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाती थी तब तो बहुत टाइम लगता था, पूरा दिन लग जाता था, लेकिन ये जो कि क्लिनिक है तो देखें, और शूज़ आपको यहाँ पर उतारने पड़ेंगे। हेलो, तो ये सामने रिसेप्शन का एरिया है, यहाँ से आपने अपना नंबर लेके बैठ जाना है। मैं भी बैठ गई हूँ और उसके सामने वो जो रूम है पीछे, वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं और वो बारी बारी मरीजों को बुला के चेक कर रहे हैं। और इस तरफ जो है कुछ हर्ब्स और कुछ मेडिसिन वगैरह रखे हुए हैं, जहाँ पे ये यू ही आपको नज़र आ रही होगी कि वो जाके विजिट कर रही है, चेक कर रही है उस जगह को कि क्या कुछ है। थोड़ी देर में मैं भी चेक करती हूँ, तो बस अपनी बारी का वेट करते हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ पे टाइम कोई लगेगा ज़्यादा, या कोई टेस्ट भी परफॉर्म होंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो ये अब मैं उस रूम में आ गई हूँ जहाँ पे इन्होंने कुछ हर्बल बाम्स और कुछ सीरम्स और पता नहीं कुछ क्या कुछ ऑयल्स रखे हुए हैं, तो काफ़ी वो आयुर्वेदिक टाइप लग रहा है ये, और है भी। ये देखें, ये बाम है और स्पा बाम, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो चूँकि लिखा था ही में हुआ, इसलिए मैं तो पढ़ नहीं सकती कि क्या कुछ है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये लग रहा है ऐसे
ऐसा लग रहा है कोई कीमती चीजें पड़ी हुई हैं यहाँ पे, इस तरह से इन्होंने ये सजाई हुई है। वो सामने रूम में आपको डॉक्टर साहब नजर आ रहे होंगे और मुझे लगता है अब इसी पेशेंट के बाद मेरी बारी है, मुझे जाना होगा और मुझे लग रहा है बस 5-10 मिनट में हम फ्री हो जाएंगे, कोई टेस्ट नहीं होगा। इट्स डन। जी तो बिल्कुल वैसा ही हुआ, डॉक्टर साहब ने सिर्फ मुझसे बातचीत करके और मुझे सर्टिफिकेट करा के दे दिया और कोई पेमेंट भी नहीं उसकी लगी और अब हम फ्री हो गए हैं, वापस जा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। चलें जी, मेडिकल सर्टिफिकेट तो हासिल हो गया, आज ये काम पूरा हुआ, अब जाएंगे हम वर्क परमिट के लिए कल या परसों। तो बस यही आज की वीडियो थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।